हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, मैं मीनाक्षी को अस्पताल ले गई थी क्योंकि आपको पता है हमारे घर बेबी आने वाला था। हम बहुत सब खुश हैं और खुश थे। उसे अस्पताल लेके गई हैं। मीनाक्षी के हुआ था बेबी, बेबी हुआ था उसके, हुआ लड़का। और वो लड़का हुआ मीनाक्षी के ऑपरेशन से। हमारा मीनाक्षी ठीक है और बेबी भी ठीक था। हमारा बेबी बॉय आया था हमारे घर पे और वो 2 दिन के लिए ही आया था और अब वो हमारे बीच नहीं रहा। वो बस हमें 2 दिन के लिए देख और मिल पाए हैं। उसे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है आपको कि अब हमारे बीच हमारा बेबी यानी कि लड़का नहीं रहा। और मीनाक्षी को हमने 10 दिन बाद ही बताया है, आज ही, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मना की थी कि मीनाक्षी को मत बताना क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाती। तो उसे हमने आज ही बताया है और उसकी तबीयत को देख के वो अभी आराम कर रही है। वैसे ठीक है पर कहते नहीं, जब ऐसा कुछ होता है घर वाले भी सब टेंशन में है। हमारी खुशियां को पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे कि हमारे घर एक बेबी आएगा, उसके साथ खेल लेंगे, बात करेंगे, खुशियां मनाएंगे। पहले उसे हम छोटे अस्पताल ले गए थे जहाँ की उसे हमने शुरू से इलाज करा रखा था। बुढ़ाना हम लेके गए थे उसको, वहीं पे उसका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अचानक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई और डॉक्टरनी ने बोल दिया कि इसको मुजफ्फरनगर ले जाओ। वहीं पे लेके चले गए और बेबी भी बहुत ठीक था, मतलब उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मीनाक्षी भी ठीक थी। पता नहीं सब कुछ अचानक से हो गया, कुछ समझ नहीं आया। 2 दिन तक हमारा बेबी बिल्कुल स्वस्थ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ और वो हमारे बीच नहीं है। अब सब बहुत दुखी है, बहुत परेशान है इसीलिए हमने 10 दिन तक वीडियो नहीं डाली। और ना कोई वीडियो हमसे बन पाई और ना हमसे बताया गया, क्योंकि हमने मीनाक्षी को नहीं बताया था। क्योंकि बेबी तो चला गया और मीनाक्षी तो ठीक रहनी चाहिए, बस इसीलिए हमने नहीं बताया उसको और ना ही कोई व्लॉग बना पाए, क्योंकि हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज भी बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के ये आपको वीडियो बता रही है बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए हम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। कल मीनाक्षी के मम्मी पापा को बुलाया था और उनसे ही उसको मतलब उन्होंने ही बताया है कि ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि घर वालों की किसी की भी किसी की हिम्मत हिम्मत नहीं थी नहीं उसे थी। बताने की कि क्या हुआ है। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, माँ माँ के दर्द को कौन जानता है। तो किसी की हिम्मत नहीं थी उसे बता पाने की कि ऐसा हो गया। अब बस मीनाक्षी ठीक रहे और जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान हमारे घर फिर ऐसा ही बेबी हो जाए, आ जाए, हम में शामिल हो जाए, हमारे साथ खेले कूदे, जैसे कि हमारे साथ लड्डू रहता है। हमें भी छोटे लड्डू की इंतजार थी, नाम भी सोच रखे थे बच्चों ने, बहुत खुश थे। अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं चला। आपको इसलिए बता रही हैं क्योंकि आप लोगों की बहुत बहुत ज्यादा कम कमेंट आ रही थी।
हमारा बेबी बिल्कुल स्वस्थ था। अचानक से ही पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने अपने पास बुला लिया। बस अब तो मीनाक्षी ठीक हो जाए उसका ही है, उसे एक बार और डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बुलाया है। पर अभी मीनाक्षी ठीक है, आराम कर रही है, उससे भी हम कभी आपको मिलवाएंगे जब उसकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। आज भी हम दोनों ही ने हिम्मत करके मगर चल बता देते हैं। जितनी खुशी मनानी चाह रहे थे सारी ऐसे ही रह गई। आपको भी इंतजार था उस बेबी का, उसे देखने का, और हमें भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। बहुत खुश थे कि हमारे घर छोटा बेबी आएगा, लड्डू के साथ खेलेगा, हम सब के साथ खेलेगा गोद में हमारी, ऐसे ही जैसे लड्डू खेलता है। आप सब से भी मिलवाएंगे, लेकिन अब कुछ नहीं रहा। बस आप लोग भी दुआ करना कि मीनाक्षी ठीक हो जाए और भगवान उसे इस दुख से निकलने की हिम्मत दे और दोबारा फिर से हमारे यहाँ नन्ना मुन्ना सा बेबी आ जाए, ताकि मीनाक्षी भी खुश रहे और उसको गोद भी भर जाए, उसे भी अकेला महसूस ना हो। तो उसके साथ भी हम ऐसे ही खुश रह रहे थे 10 दिन तक का, कि उसे बताना चले पता ना चले। बहुत कुछ झेलना पड़ा है हमें इन 10 दिनों में। उसके सामने रो कर भी नहीं रो पाते थे, हंसना पड़ता था। चलिए, आपको बस इतना ही बताना था और हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत है आपको बताने की, इससे ज्यादा कुछ नहीं हम बता सकते। बस यही, बस आप लोग भी दुआ कीजिए कि मीनाक्षी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। बस बेटा इसे रख दो, हाँ ये अब तो इसमें लग गए हो। अरे हमारे लड्डू की तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही थी, कभी काजल लाई थी, इसका भी जुकाम हो रहा लड्डू के भी। अब पूरा ध्यान रखे हम लड्डू का, है ना लड्डू? क्या देख रहा है इसमें? करते नहीं करते।